अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, मींस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, राइट। अब इस चैप्टर में कुछ एंट्री टेस्ट के हवाले से सवाल आते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी एक वन शॉट में पूरा करूं। पूरा लेक्चर देखिएगा और एंड में मैंने कुछ एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट और कुछ जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं उनको कलेक्ट करके उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, यहाँ सबसे पहले टर्म आती है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को उर्दू में कहें खाद, सिंधी में कहें भाण। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम क्रॉप्स में डालते हैं, तो उन क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनमें सॉइल में जो डेफिशिएंसी है उसको कम करने के लिए। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, राइट। तो हम इसको मोस्टली इनऑर्गेनिक साल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contains elements such as nitrogen, phosphorus and potassium which are essential for growth and development of plants, jo plants ki growth aur development ke liye bahut zaruri hai. The yield of the agriculture crops can be increased by use of fertilizers. जो क्रॉप्स की पैदावार है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स के यूज से। फर्टिलाइजर हेल्प द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी एंड बिकम फर्टाइल अगेन। ये सॉइल की डेफिशिएंसी को कम करके उसको दोबारा जरखेज बना देता है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो मेंटेन द पीएच नियर द न्यूट्रलिटी और स्लाइट अल्कलिनिटी, मींस बेसिक नेचर पे 7 to 8 अराउंड। अब देखें जिस सॉइल की पीएच 3 से कम हो या 10 से ज्यादा हो उस सॉइल को कहा जाएगा स्टीराइल। समझ गए बात को, जिसकी पीएच 3 से कम हो या 10 से ज्यादा हो उस सॉइल को क्या कहा जाएगा, स्टीराइल कहा जाएगा। ये सवाल एमसीक्यूज में आया हुआ है। अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में, ऑर्गेनिक या नेचुरल, मिनरल, केमिकल या सिंथेटिक। नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या हैं, ये नेचुरल मेन्योर हैं, डिकेड एनिमल वेस्ट हैं, लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। सिंथेटिक नाम से ही जाहिर है कि मींस हम इसको प्रिपेयर करेंगे आर्टिफिशियली, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और प्रोडक्शन में ये बहुत ज्यादा फायदा देते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फर्टिलाइजर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटाश फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फॉस्फेटिक कम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स और एनकेपी फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स क्या है, दे कंटेन नाइट्रोजन एज असेंशियल एलिमेंट। उनमें नाइट्रोजन एक असेंशियल एलिमेंट होता है। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर वाटर सॉल्यूबल एंड नेसेसरी इन द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जब अर्ली स्टेज पे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये कहाँ हेल्प आउट करते हैं, दे हेल्प आउट इन डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम की डेवलपमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं। नाइट्रोजीनियस के इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स अमोनिया है, जिसमें कितनी परसेंटेज होती है, 82%। यूरिया, यूरिया में कितनी नाइट्रोजन परसेंटेज होती है, 46%, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट कितनी परसेंटेज होती है, 33%। अमोनियम सल्फेट में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है, 21%, ठीक है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है, दे एक्सेलरेट्स फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में जो डिजीजेस होती हैं उनके खिलाफ ये रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करते हैं, मींस ये कुव्वते मदाफत उसको भी बढ़ाते हैं ये, ठीक है। और इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, फॉस्फेट रॉक या फॉस्फोराइट, ये उसका फार्मूला है, जो मोर सॉल्यूबल है।
ठीक है, कैन नॉट बी असिमिलेटेड डायरेक्टली, डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता बाय प्लांट्स, देयरफॉर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बिफोर इट कैन बी टेकन थ्रू द रूट। जब तक वो रूट से रूट जो उसको एब्जॉर्ब करे तो हम उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो वहां एब्जॉर्ब हो सके आसानी से। सिंपल डबल एंड ट्रिपल फॉस्फेट आर वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? सिंपल, डबल और ट्रिपल फॉस्फेट। अब हम पढ़ते हैं कैल्शियम सुपरफॉस्फेट या जिसे सिंपली सुपरफॉस्फेट भी कहा जाता है। ये कैसे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जब पाउडर्ड फॉर्म रॉक फॉस्फेट रिएक्ट करेगी किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सुपरफॉस्फेट इज फॉर्म्ड, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये हमारे पास हो गया सुपरफॉस्फेट। ठीक है, और ये इसके साथ है जिप्सम, ये जिप्सम है। तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी फॉस्फेट एंड जिप्सम इज नोन एज सुपरफॉस्फेट। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाएगा? सुपरफॉस्फेट, जिसके अंदर 18-20% एसिमिलेबल P2O5 होता है। एसिमिलेबल का मतलब इतनी एब्जॉर्ब हो सकती है। समझ में आ गई बात या कोई कंफ्यूजन है? नोट करें आप इसको। हाँ, तो अब हम फॉस्फेट का जो नेक्स्ट टाइप है उसको देखते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग फॉस्फोराइट रॉक विद फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको डिकम्पोज किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रिपल फॉस्फेट। अब ये जो ट्रिपल फॉस्फेट है, इस ट्रिपल फॉस्फेट में जो एब्जॉर्बेबल P2O5 है उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 48%। दिस इज नियरली 3 times ऑफ सुपरफॉस्फेट। ठीक है, वो सुपरफॉस्फेट से 3 गुना इसकी थोड़ी ज्यादा है। इसके बाद पोटैशिक फर्टिलाइजर्स, नाम से जाहिर है कि ये क्या होगा? दे कंटेन पोटेशियम, जैसे हमारे पास चाइल्ड साल्ट पीटर है या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये थे फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या हैं? डिटर्जेंट्स आर सोपलेस क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, सफाई के तौर पर ये यूज होते हैं। इनमें क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग लॉन्ग चेन्स, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी चेन क्या होती है? लॉन्ग होती है। केमिकली दे हैव नॉन पोलर अल्केन चेन, इनमें अल्केन चेन होती है विद पोलर ग्रुप्स एट द एंड, मींस अल्केन चेन होगी और एंड में हमारे पास एक पोलर ग्रुप होगा, राइट, ऐसे, और यहां कोई पोलर ग्रुप अटैच होगा। याद रखें सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा फर्क है, अल्काइल दोनों का सेम होता है, पोलर ग्रुप में डिफरेंस होता है। ये एंड में फिर हम जब इसको कर लेंगे तब इसके डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो The polar groups of most synthetic detergents are sodium sulfonates. जो polar group हैं वो क्या हैं? या sodium sulfonate हैं, ठीक है, या sodium sulfate हैं। Sulfate SO4, sulfonate SO3, ठीक है। तो जैसे example में है हमारे पास sodium alkyl sulfate, sodium alkyl sulfate हो गया ये, ठीक है।
या हमारे पास है सोडियम अल्काइल सल्फोनेट, तो ये सोडियम अल्काइल सल्फोनेट हो गया। N का मतलब चेन में कितने भी कार्बन हो सकते हैं। या हमारे पास यहाँ पे चेन में हमने बेंजीन को शामिल कर लिया, तो सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स हमारे पास क्या है, दे आर सोपलेस क्लींजिंग एजेंट, सोपलेस क्लींजिंग एजेंट है ये। तो अब हम देखते हैं सोप की स्ट्रक्चर, डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर। डिटर्जेंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, अब हाइड्रो का आपको पता है, हाइड्रो माना वाटर, फोबिक फोबिया, जैसे नहीं बोलते फोबिया माना डर, तो फोबिया का मतलब है रिपेलिंग, तो दिस इज वाटर रिपेलिंग पार्ट। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो अगेंस्ट वाटर, फिलिक जैसे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक माना अट्रैक्शन लव। ठीक है, तो दो पार्ट्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर है ये, एंड टेंड्स टू अट्रैक्ट नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ सॉल्युबिलिटी का उसूल फॉलो होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, ये और ये किसको डिसॉल्व करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, जैसे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, वगैरह वगैरह। दूसरा है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रो माना वाटर, फिलिक माना अट्रैक्शन, तो ये क्या है, पोलर टर्मिनल्स होते हैं, सल्फोनेट या सल्फेट या क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट या हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सोप में ये जो पार्ट होगा, मैंने आपको बताया था कि सोप में और डिटर्जेंट में अल्काइल सेम होता है, सिर्फ ये जो पोलर पार्ट का डिफरेंट होता है, तो सोप में ये होता है कार्बोक्साइल। अब सोप की कंडीशंस और कंपोजिशंस क्या है, उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स, बाइंडर और एडिटिव्स। सर्फेक्टेंट्स क्या है, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, ये वाटर की क्या करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है और क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा है बाइंडर, बिल्डर, बिल्डर क्या करता है, इट इज पॉलीफॉस्फेट, ठीक है, एक्ट एज अ वाटर सॉफ्टनर, और ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है वाटर सॉफ्टनर की तरह और कोरोजन को इनहेबिट करता है, रोकता है। ठीक है, और डिटर्जेंट की अफेक्टिवनेस बढ़ा देता है, कि मींस डिटर्जेंट ज्यादा अफेक्टिव हो, बेहतर काम करे। तीसरा पार्ट है हमारे पास एडिटिव्स, ये क्या करते हैं, डिटर्जेंट में फोम बनता है, झाग बनता है, तो उस झाग को स्टेबलाइज करते हैं, तो दे आर फोम स्टेबलाइजर्स। अब हम देखते हैं कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट काम कैसे करता है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट उसूल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द डिटर्जेंट एक्सटेंड इनटू अ वाटर, वो वाटर के एक्सटेंड वाटर के अंदर चला जाएगा, और जब जो लॉन्ग चेन है कार्बन की, हाइड्रोफिलिक पार्ट वो ऑयल ड्रॉपलेट या जो ऑर्गेनिक मटीरियल ग्रीस उसके साथ लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि डिटर्जेंट एक किस्म का इमल्सीफाइंग एजेंट काम करेगा बिटवीन ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर में एक किस्म का कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, और इससे क्या होगा, जैसे ही थोड़ी सी एजिटेशन करेंगे हम शेक करेंगे, याद रखें डिटर्जेंट हम यूज करते हैं तो कपड़ों को पानी में डाल के उसको थोड़ा मिक्स करके फिर उसको शेकिंग करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े हिलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शेकिंग, एजिटेशन, जिस एजिटेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, फोम प्रोड्यूस होता है, और फिर वो जो ऑयल है, डर्ट है, ग्रीस है, वो आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, आप नोट करें इसको।
हाँ जी, एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट में कि इसका सोप पे एडवांटेज है, सोप से ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में ये ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है जहाँ सोप काम नहीं करता। हार्ड वाटर किसे कहते हैं? ऐसा वाटर जहाँ साबुन इसका झाग आसानी से ना बन सके। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं, किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। ठीक है, तो फंक्शन वेल इन हार्ड वाटर। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट ऑफ डिटर्जेंट आर सॉल्युबल इन वाटर। डिटर्जेंट में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट बनेंगे वो पानी में हल हो जाएंगे, जबकि सोप के वो जो साल्ट हैं वो पानी में इनसॉल्युबल हैं। तो इसका मतलब डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एंड देयर इज नो वेस्टेज इन शेप ऑफ स्कम, या पीपीटी की शेप में कोई वहां वेस्टेज नहीं होगा। अब डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, ये एक सीरियस डिसएडवांटेज है कि जो कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? कि उनको बैक्टीरिया वगैरह फर्दर डिग्रेड नहीं कर सकते। अगर वो फर्दर डिग्रेड नहीं होंगे तो क्या होगा? वो वाटर रिजर्वायर में शामिल हो जाएंगे, जमीन में शामिल हो जाएंगे और नुकसान करेंगे। ठीक है, तो वन सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ सम सिंथेटिक डिटर्जेंट इज दैट दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दैट इज दे आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस केमिकल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। और जो सॉइल के बैक्टीरिया हैं दे आर अनएबल टू डिग्रेड, टेट्रापोलीथीन बेस्ड डिटर्जेंट्स वो इनको डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं किसमें? ग्राउंड में और वाटर सप्लाईज में। अब वराइटीज ऑफ डिटर्जेंट्स, थाउजेंड ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज एज अ वॉशिंग पाउडर एंड वॉशिंग लिक्विड्स, और मखसूस डिटर्जेंट मखसूस तरीके से बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक डिटर्जेंट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस बाय यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन और बाय इंसर्टिंग मोर देन वन आयोनिक ग्रुप। ये तरीका है उसको बनाने का। अब पाकिस्तान में बहुत तरक्की है इसमें, जैसे सर्फ एक्सेल, एरियल सर्फ, बोनस, क्या बात है बोनस, ब्राइट या सर्फ एक्सेल जो कहते हैं, एरियल, दाग तो अच्छे होते हैं। ठीक है, अब हमने डिफरेंस लिखा है डिटर्जेंट और सोप में। डिटर्जेंट क्या है? इट इज अ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ अल्काइल और अराइल सल्फोनिक एसिड, जबकि सोप क्या है? इट इज अ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोप क्या है? इट इज सिंथेटिक प्रोडक्ट। डिटर्जेंट क्या है? इट इज सिंथेटिक प्रोडक्ट। सोप क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेट एंड ऑयल। इट कैन वर्क इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट काम कर सकता है, सोप इट डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ठीक है, इट इज मोस्टली द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री, इट इज मेड फ्रॉम फैटी एसिड। इट्स हाइड्रोकार्बन चेन इज नॉट ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, माना ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये था डिटर्जेंट्स का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं किसका? ग्लास का। तो अब हम जो हमने वन शॉट वाला शुरू किया था चैप्टर 11 का, तो उसमें हमारे पास है अब ग्लास का टॉपिक। ठीक है, ग्लास क्या है? ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलिकेट कंपाउंड। ये आर्टिफिशियल सिलिकेट है। सिलिकेट क्या है आपको पता है? SiO3। ठीक है, और ग्लास जो है इसे हम कहते हैं अमॉर्फस कैटेगरी में आता है, ये ट्रू सॉलिड नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई एक क्रिस्टलाइन होता है, दूसरा अमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, अमॉर्फस में इररेगुलरली अरेंज होते हैं। तो ये जो ग्लास है ये कहाँ आता है? अमॉर्फस की कैटेगरी में। तो ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलिकेट। इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड, ये एक ट्रू सॉलिड नहीं है। ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं है। इस वजह से ग्लास को क्या कहा जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, मीन सडन कूलिंग होती है। ठीक है,
ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कैसे, बाय फ्यूजिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, SiO2 सैंड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, लाइम स्टोन CaCO3, ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको सिलिकेट मिल जाएगा। अब इसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, रॉ मटेरियल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स, अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड, और ये चॉइस डिपेंड करती है कि हम कौन सा ग्लास बनाना चाह रहे हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ ग्लास वी आर इंटरेस्टेड इन। सिलिका आता है, दिस इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, इसको ऐड किया जाता है सैंड की फॉर्म में, माना SiO2 की फॉर्म में, विच शुड प्रेफरेबली बी यूनिफॉर्म साइज, जिसकी साइज यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ना बहुत फाइन होना चाहिए, क्योंकि फाइन होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रिएक्शन तेज हो जाएगा, वायोलेंट हो जाएगा, ना ही वो कोर्स होना चाहिए ताकि वो रिएक्शन को रोके ना, मींस दरमियानी साइज होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म साइज, नाइदर टू फाइन विच मेक्स द रिएक्शन वायोलेंट, नॉर टू कोर्स टू प्रिवेंट द रिएक्शन, ना बहुत ज्यादा फाइन होना चाहिए ना बहुत ज्यादा कोर्स होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है बोरॉन ऑक्साइड या बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, ग्लास ऑफ लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जब ग्लास का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो, लो हो, माना उसको हीट दें वो फैले कम, दैट इज लो कोफिशिएंट एक्सपेंशन। उसके बाद तीसरा जो है बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स कहां एम्प्लॉय करते हैं हम, जहां हमारे पास सपोज हम उसमें लिथियम ऑक्साइड ऐड करें, लिथिया, सोडा Na2O या लाइम CaO, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये ग्लास में हमने यहां हमने पढ़ा था कि हम ग्लास की क्वालिटी को देख के डिसाइड करेंगे कि क्या क्या उसमें ऐड करना है हमें। इसके बाद है कलरिंग मटेरियल लास्ट। अब देखिए ग्लास हमने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आपने कलर्ड ग्लासेस भी देखे होंगे, तो आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, तो हम डिजायर्ड कलर ऑप्टेन करने के लिए डिजायर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐड करेंगे या उनके ऑक्साइड्स ऐड करेंगे। तो कलर्ड ग्लासेस आर ऑप्टेन्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन मेटल ऑक्साइड और साल्ट इन द फॉर्म इन द फ्यूज्ड ग्लास। तो यह हम लिख सकते हैं कि जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड। अब ये थ्योरिटिकल टॉपिक्स हैं, हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, ताकि आपको एंट्री टेस्ट में अगर यहां से एक दो कोई पॉइंट आ जाए तो वो आप मिस ना करें, स्कोर अपना ज्यादा करें। अब ग्लास की टाइप्स, एक है सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट ग्लास क्या है, ये मिक्सचर है किसका, सिलिकेट का, और वो सिलिकेट किसके, सोडियम के और कैल्शियम के, ठीक है, इट इज इजीली फ्यूजेबल एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास ट्यूब, प्लेट ग्लास या कॉमन ग्लास वेयर्स। जो कॉमन ग्लास वेयर्स हैं वहां ये यूज होता है सॉफ्ट ग्लास। दूसरा है हार्ड ग्लास। हार्ड ग्लास क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, इट फ्यूजेस विद डिफिकल्टी एंड इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ हार्ड ग्लास एपरेटस, और ये कहां यूज होता है, हार्ड ग्लास एपरेटस में। उसके बाद फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या है, इट इज क्लियर ट्रांसपेरेंट पोटाश लेड ग्लास यूज इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्टिकल समझते हैं, कंसर्न विद द आई, ठीक है। नेक्स्ट देखें पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स या जीना ग्लास, इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट, ठीक है। आप देखें घर में जो ग्लास वेयर्स यूज करते हैं, आप उसमें पानी रख के हीट करोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन लैब में आप देखो हीट कर रहे होते हो टेस्ट ट्यूब्स को, ग्लास वेयर्स को, तो वो टूटते नहीं, वो अपनी जगह बरकरार रहते हैं, हालांकि ग्लासेस वो भी है, ग्लास वो भी है,
लेकिन क्या है, दोनों की कंपोजिशन का फर्क है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट, वेरी रेजिस्टेंट टू हीट, माना हीट के लिए बहुत रेजिस्ट करते हैं वो, शॉक को भी रेजिस्ट करते हैं, और कॉमन रिएजेंट्स का उनके ऊपर असर भी नहीं होता। और इसके बाद नंबर 5 है बोटल ग्लास। ये चीपेस्ट वैरायटी ऑफ ग्लास है, मीन सबसे सस्ती है, और ये कहां यूज होती है, मेकिंग बोटल्स में। अब एक टर्म है इचिंग, ग्लास पे डिजाइनिंग बनाने का जो प्रोसेस है उसके, उसे क्या कहते हैं हम इचिंग, और इचिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, एचएफ को। व्हाई? बिकॉज ग्लास इज इजीली अटैक्ड बाय एचएफ, और द आर्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स ऑन ग्लास इज कॉल्ड इचिंग। तो देखो, ग्लास इज अटैक्ड बाय एचएफ, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड सिलिकॉन, फ्लोराइड्स बन जाएंगे इसके, और गिलास में हमें पता है सोडियम सिलिकेट और क्या होता है कैल्शियम सिलिकेट, तो क्या करेगा एचएफ इनके ऊपर अटैक करेगा, और इस वजह से क्या बना देगा, ये फ्लोराइड्स बना देगा, किसके, सोडियम के, कैल्शियम के और सिलिकॉन के। और इसी वजह से एचएफ को यूज किया जाता है गिलास में डिजाइन बनाने के लिए, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इचिंग। तो ये हमने अभी देखा गिलास वाला टॉपिक, आप इसको नोट करें, तो फिर हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो अब एक और टॉपिक है, और ये टॉपिक आप देख रहे हैं कि मैं पहले लिख रहा हूँ ताकि मैं वीडियो की लेंथ को छोटा कर सकूँ, ठीक है, वरना अगर मैं ऐसे बोलता जाऊँगा, लिखूँगा नहीं, तो भी एक डिफ़िकल्टी होगी, आपके पास पॉइंट्स नहीं होंगे, नोट्स नहीं होंगे। अगर बोलता भी जाऊँगा साथ में पॉइंट्स नोट करता भी जाऊँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लूँ, फिर मैं उसको समझाऊं, तो लेक्चर भी छोटा हो जाएगा और आपके पास मटेरियल भी सारा आ जाएगा। और इसका ये फ़ायदा होगा कि कोई एंट्री टेस्ट वाला हो वो भी स्टूडेंट इसको देख सकता है, कोई कोचिंग वाला हो तो वो भी उसको देख सकता है, ठीक है। तो देखें, उसके बाद हमारे पास है पेंट्स। पेंट्स क्या हैं, आप अवेयर होंगे, दीवारें रंगीन आपने देखी होंगी, कलरफुल देखी होंगी, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली। तो ये क्या है, ये पेंट है। पेंट हम इसके ऊपर लगाते हैं किस पर्पज़ के लिए, या डेकोरेशन के लिए, या वेदर से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये पेंट के दो रीजंस हैं। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। लिक्विड प्रोडक्ट्स विच होल्ड इन सस्पेंशन सॉलिड कलरिंग मैटर नॉन एज पिगमेंट्स, ये पहले भी हमने पढ़ा था पॉइंट, सो ब्लेंडेड दैट सच मिक्सचर कैन बी अप्लाइड एवनली, यकसा तौर पर अप्लाई किया जा सके टू अ सरफेस फॉर प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव पर्पस। तो उसे क्या कहा जाएगा, पेंट कहा जाएगा। बोर्ड के साथ अगर आपको थोड़ी दीवार दिखाई दे रही हो तो ये देखें, ये येलो लगी हुई है, दैट इज पेंट, राइट। अब पेंट की जो क्लासिफिकेशन है वो दो हिस्सों में है, एक वाटर बेस्ड पेंट, दूसरा ऑयल बेस्ड पेंट। वाटर बेस्ड पेंट किसे कहते हैं, इन वाटर बेस्ड पेंट सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, विच कैरीज अ पिगमेंट और इमल्शन, जैसे रेजिन इन वाटर। डिस्टेंबर भी आपने सुना होगा, एक पेंट है भाई, डिस्टेंबर करवाना है घर को, आर वाटर बेस्ड पेंट विच कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स कंपाउंडेड विद वाटर एंड एडहेसिव्स लाइक जिंक ऑक्साइड केसेंस, ठीक है। तो ये क्या है, पेंट्स हैं। पेंट्स की टाइप्स कौन सी थी, वाटर बेस्ड। अब हम आते हैं ऑयल बेस्ड पेंट। यहां क्या होगा, इन ऑयल बेस्ड पेंट सॉल्वेंट इज वोलेटाइल विद सम पिगमेंट, ठीक है, एक्ट एज अ डिस्पर्स मीडियम। उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट्स, जो पेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं या कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं। तो मेन उसका कंपोनेंट क्या है, पिगमेंट। द कलर ऑफ पिगमेंट, द कलर ऑफ पेंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ पिगमेंट यूज्ड। दीज मे बी नेचुरली अकरिंग, ये नेचुरली भी हो सकते हैं, और मैन्युफैक्चर्ड। दे गिव अट्रैक्टिव कलर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर।
अट्रैक्टिव कलर भी देंगे और वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देंगे। दूसरा इसका है ड्राइंग ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या टंग ऑयल जिसे चाइना वुड ऑयल कहते हैं, ये कॉमनली यूज्ड ड्राइंग ऑयल्स हैं। ठीक है, दीज एक्ट एज अ व्हीकल फॉर डिस्प्रेशन ऑफ पेंट्स। ठीक है, ये व्हीकल के तौर पर पेंट में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्रायर्स। अब पेंट लगा है तो पेंट को ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर दैट द ऑयल मे ड्राई रेडिली एंड प्रॉपरली सम एडिशनल सब्सटेंसेस नॉन एज ड्रायर्स आर यूज्ड। प्रॉपरली हो जाए, जल्दी से ड्राई हो जाए तो ड्रायर यूज करते हैं। दे एक्ट एज, वो किसकी तौर पर काम करते हैं, एक्ट एज अ कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर। ऑक्सीजन कैरियर लेते हैं टू द ऑयल एंड आर एडेड इन क्वांटिटीज फ्रॉम 0.5 to 2%। और उनकी कितनी क्वांटिटीज ऐड करते हैं हम, 0.5 to 0.2% तक। ठीक है, और क्या होते हैं ये, यूजुअली मेटलिक डेरिवेटिव्स। मेटलिक डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, कोबाल्ट के, लेड के, मैग्नीज के, ड्रायर्स। उसके बाद थिनर्स। थिनर क्या करते हैं, पेंट को पतला करते हैं। ठीक है, थिनिंग इज प्रिपेयर्ड पेंट इज यूजुअली डन बाय मिक्सिंग अ सॉल्वेंट। उसमें कोई सॉल्वेंट डालते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, नेप्था हो गया, तो इससे वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। उसके बाद उसमें पेंट में एक और चीज ऐड करते हैं, फिलर्स। दीज आर इनर्ट सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक चाइना क्ले, टेल्क या एस्बेस्टोस, विच आर एडेड टू द पेंट, जो पेंट में एड किए जाते हैं ताकि पेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। उसके बाद वार्निश। वार्निश क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के साल्ट का मिक्सचर है। हैवी मेटल्स में क्या आ गया, लेड आ गया, जिंक आ गया, डिजॉल्व्ड इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देन ड्राइंग ऑयल इज एडेड। और फिर उसमें क्या डालते हैं हम, ड्राइंग ऑयल। ठीक है, और ड्राइंग ऑयल यहां कौन सा लिया जाएगा, लिनसीड ऑयल, कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्स ऑफ हाईली अनसेचुरेटेड एसिड्स। अनसेचुरेटेड है तो वहां माना एक या दो डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, ऑयल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना देगा, एक टफ फिल्म बना देगा, इनसॉल्युबल वाटर, इनसॉल्युबल फिल्म। अ वार्निश इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस टू फॉर्म टफ सॉलिड ड्यूरेबल एंड ग्लॉसी फिल्म। और ये जो ग्लॉसी अपीयरेंस आती है, चमक शाइनी आती है, ये रेजिन की वजह से आती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एवेपोरेट्स क्विकली। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, वोलेटाइल होगा, वो क्विकली एवेपोरेट हो जाएगा। एंड द ड्राइंग ऑयल जो हमने इसमें डाला था, लिनसीड ऑयल, वो अनसेचुरेटेड है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, ड्राइज अप फॉर्मिंग अ वाटर इनसॉल्युबल टफ फिल्म ऑन द सरफेस। द ग्लॉसी अपीयरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिन। अब पाकिस्तान में क्या पोजीशन है, आप टीवी पर ऐड देखते होंगे, आईसीआई ड्यूलक्स, नेल्सन पेंट, बर्जर रोब्योलैक, मास्टर पेंट, टोकन वाले पेंट ना लें, ऐसे आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी। तो ये आज हमने पेंट के बारे में देखा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, तो इसके बाद फिर हम इस चैप्टर में बाकी एक दो और टॉपिक्स रहते हैं उसको देखते हैं, और फिर इसके एंड में इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पास्ट पेपर से जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। आप नोट करें इसको। तो अब हम देखते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स क्या हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम फिर वो लपेट के फैब्रिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फाइबर्स के बारे में आप देखें, तो मैंने थोड़ी सीक्वेंस उल्टी कर दी है। फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक्स। उनको हम लपेट के फैब्रिक्स बना सकते हैं। अब फाइबर्स दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक।
फाइबर्स दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल कुदरती तौर पर होते हैं, सिंथेटिक हम आर्टिफिशियली खुद बनाते हैं, इसको हम देखते हैं बाद में। तो अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, रेयॉन के ऊपर। ये क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है लेकिन ये नेचुरल का कॉपी किया हुआ है, ठीक है। रेयॉन क्या है, रेयॉन इज कंसीडर्ड एज मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, दिस इज सिंथेटिक फाइबर। ये कौन सा फाइबर है, सिंथेटिक। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट चार्डोनेट। इसको किसने बनाया था, फ्रेंच साइंटिस्ट चार्डोनेट ने बनाया था। कब, 1884 में। जब वो क्या कर रहा था, वो स्टडी कर रहा था एक सिल्क वर्म डिजीज, सिल्क वर्म डिजीज को स्टडी कर रहा था, तब उसने इसको डिस्कवर किया। रेयॉन क्या है, एक फाइबर है जो ऑब्टेन किया जाता है मैकेनिकली सिल्क वर्म से, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास सेल्यूलोज है, ठीक है। होता क्या है कि जो सिल्क वर्म एक कीड़ा है, मलबरी ट्री पर बैठता है, वहां से कुछ खाता है और खाने के बाद वो फुजला खारिज करता है, तो उस फुजले को जैसे ही एयर की ऑक्सीजन लगती है तो क्या हो जाता है, वो एक थ्रेड लाइक मटेरियल में चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। तो ये हम देखते हैं कि द सिल्क वर्म ऑन मलबरी ट्री ईट सेल्यूलोज, डाइजेस्ट इट एंड चेंजेस इट इनटू सिल्क वर्म्स व्हिच कम्स आउट इन अ विस्कस फॉर्म एंड सॉलिडिफाइड ऑन कॉन्टैक्ट विद द एयर। और ये क्या बन जाता है, सिल्क थ्रेड बन जाता है। ये है सिल्क वर्म का, सिल्क बनाने का तरीका। मेन भी क्या करता है, इंसान भी क्या करता है, यही काम करता है सेल्यूलोज के साथ जब वो सिल्क को बनाता है मैकेनिकली, ठीक है, समझ गए। कीड़ा क्या करता है, वो मलबरी ट्री से खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको खारिज करता है, हवा लगती है तो वो सिल्क बन जाता है। अब देखो जो रेयॉन की टर्म है, इट इज गिवन टू ऑल सिंथेटिक फाइबर्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको रेयॉन एक जनरलाइज्ड नाम दे दिया गया है। ये किससे बनाए जाते हैं, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज एसीटेट से, नाइट्रोसेल्यूलोज से, कोपरा सिल्क, विस्कोस रेयॉन। अब विस्कोस रेयॉन को हम डिस्कस कर रहे हैं। विस्कोस रेयॉन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये विस्कस होता है बहुत। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज व्हेन इट इज डाइजेस्टेड विद NaOH सॉल्यूशन व्हेन CH2 इज पास थ्रू इट। जब यहां से CH2 कार्बन डाइसल्फाइड पास की जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, विस्कोस रेयॉन। अ मिक्सचर ऑफ सेल्यूलोज ज़ेंथेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज सॉल्यूबल इन NaOH। देखो ये ROH, R क्या है, सेल्यूलोज है, CH2 और NaOH, तो हमारे पास ये क्या बन गया, विस्कोस रेयॉन बन गया। एज दिस हैज वेरी हाई विस्कोसिटी सो इट इज नेम्ड एज विस्कोस रेयॉन। जैसा कि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम, विस्कोस रेयॉन। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो हमने पहले पढ़ा कि भाई फाइबर्स दो किस्म के, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, तो सिंथेटिक फाइबर्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। किसकी, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, लाइटनेस ऑफ वेट, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर्स के करेक्टरिस्टिक हैं। और ये पॉइंट MCQs में आया हुआ है कि भाई ये क्यों, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो, लाइटनेस ऑफ वेट, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ये सारी इसके बातें हैं। इसी वजह से सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट में। नायलोन है, नायलोन का नाम, नायलोन कहां से पड़ा, ये एक एग्जीबिशन हुआ था न्यूयॉर्क में, वहां इसको डिस्प्ले किया गया था। दूसरा है टेरिलीन, ये हम फिर नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, आप इस टॉपिक को नोट कर लें, ठीक है। तो हम देखें वो फाइबर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास आता है नायलोन। नायलोन क्या है, नायलोन 6,6 इसका नाम है। ये 6,6 क्यों है, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स जुड़ते हैं आपस में उन दोनों में 6,6 कार्बन होता है, एडिपिक एसिड में भी और अमाइन वाले में भी 6 कार्बन होता है, तो इस वजह से इसका नाम लिखा जाता है नायलोन 6,6। नायलोन 6,6 वॉज डेवलप्ड एज सिंथेटिक फाइबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग एंड अदर वेयरिंग अपैरल, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द पब्लिक एट द न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर। मैंने आपको बताया था कि नायलोन का नाम न्यूयॉर्क इस हिसाब से रखा गया। नायलोन 6,6 इज द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट पोलीअमाइड,
ठीक है, पोलीअमाइड, तो इसका मतलब यहां पोलीमराइजेशन होगी, और कौन सी पोलीमराइजेशन होगी, कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन, विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड विद हेक्सामीथाइलीन डायमाइन। अब एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन होते हैं, 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड, और हेक्सामीथाइलीन में भी 6 हो गए, तो नाइलोन 6,6 ड्राइव इट नेम फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग मटीरियल विच कंटेन 6 कार्बन ईच, जिसमें हर किसी में कितने कार्बन होते हैं 6, रिपीटिंग यूनिट इन नाइलोन 6,6 आर लिंक्ड टूगेदर थ्रू अमाइड लिंकेज। ये जो रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, अमाइड लिंकेज के थ्रू, और ड्यूरिंग विच वाटर इज एलिमिनेटेड, अगर वाटर एलिमिनेट होगा तो ये कौन सी पोलीमराइजेशन होगी, कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन होगी। तो देखें ये हमने उसका लिखा हुआ है, ये एडिपिक एसिड है, 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड, ये हेक्सामीथाइलीन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा नाइलोन। नाइलोन 6,6 इज यूज टू मेक फाइबर्स फॉर क्लोथिंग एंड कारपेटिंग, वहां यूज होता है फ्लैट, फिलामेंट्स फॉर फिशिंग लाइंस, ये जो मच्छी वगैरह हम उसको शिकार करते हैं उसके लिए, एंड रोप्स, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, ब्रशेस के अंदर जो ब्रिस्टल लगे होते हैं उसके लिए, एंड मोल्डेड ऑब्जेक्ट सच एज गियर्स एंड बैरिंग्स, गियर और बैरिंग वगैरह में भी ये यूज होता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास टर्लिन। टर्लिन क्या है, टर्लिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलीस्टर, ये भी पोलीमर है, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल का सवाल ऑर्गेनिक में भी काफी दफा आया हुआ है, के 1,2 ethane diol is ethylene glycol with terephthalic acid। Terephthalic acid क्या है, ये benzoic acid बनाओ और para पे भी carboxylic acid लगा दो तो ये terephthalic acid बन जाएगा, ठीक है, at 300 degree centigrade in the presence of metal oxide। It is commonly called as Dacron USA में, और different countries में polymers के different नाम होते हैं, जैसे USA में से Dacron कहा जाता है, टेट्रोन कहा जाता है इसे जापान में, और सेवलोन कहा जाता है रशिया में, और यूके में टर्लिन कहा जाता है, तो हम यूके को फॉलो कर रहे हैं तो इस देयरफॉर वी आर यूजिंग टर्लिन। अब देखें ये टेरिथैलिक एसिड, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के ऊपर क्या हो, बेंजीन हो, इसको बेंजोइक एसिड बनाओ, पैरा पे भी कार्बोक्साइलिक एसिड लगा दो तो ये टेरिथैलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये है इथाइलीन ग्लाइकोल, तो टेरिथैलिक एसिड और इथाइलीन ग्लाइकोल आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म टर्लिन। टर्लिन इज मेनली यूज्ड इन क्लॉथिंग एंड फिशिंग। अब इसके एडवांटेजेस, ये एज इट इज एमसीक्यूज आया हुआ है शायद 15 या 16 में, वो एंड में हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, लाइटनेस ऑफ वेट, हल्के होते हैं, ईज ऑफ आयरनिंग, सॉफ्टनेस होता है, हीट रिटेंशन या हीट कंडक्टिविटी इनकी होती है, ठीक है। तो ये हो गया पॉली इसका फाइबर का टॉपिक, अब प्लास्टिक का टॉपिक इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आप नोट करें जब तक इस लेक्चर को। तो अब हम शुरू करते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या हैं? दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है, फिजिकली सॉलिड मटेरियल हैं, और जब इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब प्लास्टिक क्या हैं? दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स माना बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। क्या क्या कंपोनेंट है इनमें, मेन कंपोनेंट इसका क्या होता है, पॉलीमर, और खास प्रॉपर्टीज देने के लिए हम इसमें कुछ खास चीजें ऐड करते हैं, जैसे है प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स मैंने आपको बताया था शायद ईस्टर के यूज में कि दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दे इंप्रूव वर्केबिलिटी, सॉफ्टन द प्रोडक्ट, रिड्यूसेस द ब्रिटलनेस एंड इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी। ये सवाल एक दो दफा आया हुआ है, हम डिस्कस करते हैं कि भाई प्लास्टिसाइजर्स का काम क्या है, ब्रिटलनेस कम करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है। उसके बाद है फिलर्स। फिलर्स क्या हैं? दे इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ,
प्लास्टिक की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ताकि वो प्लास्टिक ज़्यादा वजन को बर्दाश्त कर सके, एंड मेक द सेविंग्स ऑफ द मोर कॉस्टली पॉलीमर। और जो कॉस्टली पॉलीमर हमने लिया है वो ऐसा ना हो कि वो हम लें और टूट जाए, ठीक है, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और क्या ऐड करते हैं हम, वुड फ्लोर या सॉ डस्ट वगैरह हम इसमें ऐड करते हैं, डस्ट DUST, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो है स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्लास्टिक की केमिकल डिग्रेडेशन से। ऐसा नहीं हमने प्लास्टिक लिया उसमें कोई चीज रखी वो प्लास्टिक हमारा डिग्रेड हो गया। और चौथा है पिगमेंट। पिगमेंट हम क्या करेंगे, उसमें कलरिंग कोई एंटिटी डालेंगे। अब क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास दो किस्म के प्लास्टिक हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसॉफ्टनिंग भी कहते हैं। ये प्लास्टिक क्या होता है, आप इसको, एक आपने चीज बनाई उसको हीट किया, दूसरी चीज बनाई हीट किया, दूसरी चीज बनाई, मीन्स यू कैन री यूज इट, रीशेप इट। तो दीज कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड डू नॉट परमानेंटली हार्ड ऑन रिपीटेड हीटिंग। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ हीटनिंग, सॉफ्टनिंग, मोल्डिंग कैन बी रिपीटेड एंड इट डज नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज। आप इसको बार बार रीशेप कर सकते हो, ठीक है। दीज प्लास्टिक्स आर नॉट वेरी हीट रेजिस्टेंट, ज्यादा ये हीट को विदहोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या हमारे पास आ जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज आ गया, सेल्यूलोज, एसीटेट आ गया, विनाइल पॉलीमर्स, ये सारे क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसॉफ्टनिंग, इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। उसके बाद है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या है, वो प्लास्टिक हैं जिनको आप एक ही दफा हीट करके एक चीज बना सकते हो बस, उसको दोबारा आप दूसरी कोई चीज में चेंज नहीं कर सकते। तो दोज मटीरियल्स विच कैन बी हीटेड ओनली वंस बिफोर दे सेट, that is they cannot be reworked. In other words, thermosetting plastics do not soften on heating, jaise phenol formaldehyde, urea formaldehyde. ab kuch common plastics hain jinko hum discuss kar rahe hain. common plastic hamare paas polyethylene hai, it is a polymer of ethene and formed at 200 degree c and 100 atm pressure. ethene se polyethylene ban gaya. और ये कहाँ यूज होता है, पैकेजिंग में यूज होता है। पॉलीप्रोपाइलीन भी यूज होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इट इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। और विनाइल की मैंने आपको टर्म बताई है, विनाइल का क्या है फार्मूला, CH2 double bond CH, दैट इज विनाइल, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, ठीक है। इसको 60 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, PVC इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। यूज फॉर द इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स, उनका जो इंसुलेटर कवर होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन पुराने दौरों में होता था, सूटकेस कवरिंग वगैरह। इसके बाद हमारे पास है पॉलीविनाइल एसीटेट। अब देखो पॉलीविनाइल माना विनाइल एसीटेट होगा ये, तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल एसीटेट, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, इन मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, च्यूइंग गम में यूज होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल्स में ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है बैकलाइट। बैकलाइट क्या है, एक पॉलीमर है किसका, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का। ये सवाल काफी दफा आया हुआ है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से या किससे बनता है। तो ये फिनोल, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फिनोल, तो हमारे पास क्या बन गया, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बैकलाइट। ये कहाँ यूज होता है, बटन्स बनाने में, स्विचेस बनाने में, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स बनाने में, कैमरास बनाने में, रेडियोस बनाने में और टेलीफोन कंपोनेंट्स बनाने में, ठीक है। आप इसको देखें तो इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा और फिर हम MCQs करते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट है परस्पेक्ट, ठीक है। परस्पेक्ट क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है जो हेयर ब्रशेस में, कंघी वगैरह बनाने में ये यूज होता है, ठीक है। ये है क्या, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मिथाइल मिथाक्राइलेट,
जो क्या है, ईस्टर है, किसका, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, तो मिथाइल मिथाक्रायलेट हम लेंगे, ये मिथाइल मिथाक्रायलेट है, बेंजोइल परऑक्साइड में इसको रखेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये परस्पेक्स बन जाएगा। ये इसमें क्या है, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी है और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग का इसमें है, क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये क्या बन जाता है, एक ग्लास का सब्स्टिट्यूट बन जाता है। इसीलिए ये कहाँ यूज होता है, एयरक्राफ्ट विंडोज में, रिफ्लेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, और टीवी गार्ड स्क्रीन में और स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स में, ठीक है जी। तो ये नोट करें, तो इसके बाद हम फिर क्या डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के MCQs। ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट बोर्ड है जिसमें हमने इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस किए हुए हैं और कुछ वो MCQs डिस्कस किए हुए हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये वन शॉट है, आप चलते हैं पहले सवाल की तरफ, लेकिन इससे पहले आप लेक्चर ने आपने नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि इनके जवाब उधर ही हैं। पहला सवाल देखें, द सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू प्रोवाइड वन और मोर न्यूट्रिएंट एलिमेंट असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ आर, मीन्स पौधों को जो चीज़ सप्लाई की जाती है उनकी न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, जो उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसे क्या कहते हैं, उसे सॉल्ट्स, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स या नन ऑफ दीज, तो उसे क्या कहेंगे हम, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, NH3 में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है। अब ये क्या है, ये एक सिंपल सवाल है, नाइट्रोजन मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, परसेंटेज का क्या फार्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, तो 14 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके बताएं क्या होगा जवाब, ठीक है, कर लिया, हाँ। डैश आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं, आपको पता है, ये हमारे पास होते हैं सोप्स, ठीक है। बोरॉन ऑक्साइड एंड सिलिका आर मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, बोरॉन और सिलिका किसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, आपको पता है कि वो क्या होता है, वो होता है पायरेक्स क्लास, क्यों, क्योंकि उसकी जो हीट को विदस्टैंड की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लेबॉरेटरी ग्लासवेयर्स में वो यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखें, फर्टिलाइजर्स मेंटेन द पीएच ऑफ सॉइल एट, ये मेंटेन करते हैं या न्यूट्रलिटी के अराउंड या थोड़ा सा बेसिक अल्कलिनिटी, तो इसका जवाब क्या होगा, 4 to 6, 7 to 8, 12 to 14, तो इसका जवाब होगा 7 to 8 के अराउंड, ये बुक में एज इट इज पॉइंट लिखा हुआ है। The range of pH below dash and above dash of soil represents its sterility. ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि किसी सॉइल की अगर pH 3 से कम हो या 10 से ज़्यादा हो तो वो फर्टाइल नहीं होगी, नॉन फर्टाइल होगी, जिसे हम स्टेरॉइल कहते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, below 3 above 10, तो बिलो 3 इधर आएगा, मतलब पहले 3 आएगा फिर क्या आएगा 10 आएगा, तो इसका जवाब होगा ये 2009 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर इचिंग ग्लास, अब ग्लास पर HF का अटैक हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से ग्लास पर जो डिजाइनिंग बनाते हैं वो हम किसकी मदद से बनाते हैं, HF की मदद से बनाते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इचिंग, तो HF है हमारे पास, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये 2010 में सवाल आया हुआ है। फिर ग्लास इज एन, ये 2014 का सवाल है, ग्लास इज एन प्योर सॉलिड, नहीं जी, सुपर कूल्ड लिक्विड, हाँ, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ Na2CO3 या अलॉय, तो ग्लास क्या है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो इसका जवाब होगा ये। नेक्स्ट देखो, ये सवाल आया हुआ है 2016 में, आई थिंक ईयर ऊपर नीचे हो तो इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन पास्ट पेपर्स के सवाल हैं इसमें से काफी, कुछ मैंने लिख दी हैं कुछ नहीं लिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और ये जब मैं आपको यूज बता रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि ये सवाल कहीं ना कहीं पेपर्स में आया हुआ है, तो ये 2016 में है।
लाइटनेस ऑफ वेट हल्के होते हैं, हाँ जी। सॉफ्टनेस नरम होते हैं, हाँ जी। ईज ऑफ आयरनिंग, उनको आयरनिंग की जाती है, माना प्रेस किया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स स्वेट, हीट रिटेंशन, ये भी बात सही है। एब्जॉर्ब स्वेट, नहीं स्वेट वाला इसका कोई काम ही नहीं था। इफ यू रिमेम्बर हमने पॉइंट्स लिखे थे, इधर लिखे थे आई थिंक यहां पे। अगला सवाल देखें, ठीक है। नायलोन 66 इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, अब नायलोन 66 किस से की कंडेंसेशन से बनता है। अब देखो 66 का मतलब ही है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स में जो दोनों होंगे, दोनों में 66 कार्बन होंगे, तो वह क्या होता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो इसका जवाब क्या होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज टू मेक कॉम्ब एंड हेयर ब्रशेस इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं हम, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट, बैकलाइट, नहीं परस्पेक्स, यस ये कहते हैं। ये 2018 में सवाल है, और ये परस्पेक्स किससे बनता है, मिथाइल मिथाक्रायलेट, इफ यू रिमेंबर जो पांचवीं टाइप हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट देखें, द ग्लास इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड एज, सोडा ग्लास, लाइम ग्लास, पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, कुछ आप कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बैकलाइट, पोलीथीन, पोलीस्टायरीन या नन ऑफ दीज। ये भी आप लोगों का असाइनमेंट है, टास्क है, ठीक है। ये टास्क आप करेंगे तो आप देखेंगे लेक्चर के पीछे मैंने क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो, द नेचरिंग अकरिंग, द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर इज, पॉलीथीन नहीं बनाते हैं हम, प्रोटीन, प्रोटीन नेचुरल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी बनाते हैं, तो नेचुरल क्या हुआ, नेचुरल हुआ ये। अगला देखो, द मटेरियल विच इंक्रीज इज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक में काफी चीजें डालते हैं हम, ठीक है, तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर टू ग्लास, ग्लास को ग्रीन कलर कौन देता है, कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या नन ऑफ दीज। इफ यू रिमेंबर हमने जब ग्लास पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ग्लास में जो कलरिंग के लिए हम क्या ऐड करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये होगा, ये मेरे ख्याल में ब्लू कलर देगा, ये डार्क ब्लू कलर देगा और ये ग्रीन देगा, ठीक है। तो विच ऑफ द विच वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में कौन ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा, सोप या डिटर्जेंट या दोनों, ये आप लोगों का टास्क है। नेक्स्ट सवाल देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, पोली प्रोपाइलीन इज सुपीरियर टू पोलीथीन इन इट्स रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, ऑप्शन बी, पोलीइथीन इज सुपीरियर टू पोली प्रोपाइलीन इन इट्स रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, सी बोथ आर इक्वली रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पोली प्रोपाइलीन सुपीरियर होता है किससे, पोली इथीन से। तो दैट इज ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन वन शॉट। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, ठीक है। आप इसको देखें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें, और कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी सिलेक्शन में जो मेरे से बन पड़े वो मैं करूँ। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।